Okay students, now we are going to start with illustration number 13. क्या है बैंक की है 20,000 के डेटर्स हैं 17,000 प्रोविजन है 2,000 ओके फिर इन्वेस्टमेंट स्टॉक है 15,000 इन्वेस्टमेंट है आपके पास 25,000 फर्नीचर है आपके पास 6,000 बिल्डिंग है 19,000 है 10,000 उधर क्या है कंट्री क्या 8,000 के बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास है 6,000 X brother mom. कितना है 8,000 Y is loan. कितना है 3,000 डेटर्स 5,000 के बैठ हो गए अदर एसेट्स रियलाइज इन्वेस्टमेंट 20% लेस गुडविल एट 60% इन्वेस्टमेंट 20% मतलब 20,000 और गुडविल 6,000 फिर बिल्डिंग्स वर ऑक्शन फॉर 30,000 वन ऑफ द गेट फॉर 5,000 वाज पेड ऑन डे 3,000 टू बैंक 5,000 की पेड को 3,000 दिए बाकी 3,000 को बिल्डिंग तीस हजार की ऑप्शन थी और कमीशन लेगी
buy to cover the stock at 4,000. ये 4,000 की जो वैल्यू थी वो 80% ऑफ एक्स था, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, पाँच हज़ार के बदले में 4,000 उठा लिया, बाकी रह गया स्टॉक 10,000। अब इसका क्या रिकवर हो रहा है, 50%। Realization expenses amounted to 2,000. Fine. और कुछ है, मैंने ओवरड्राफ्ट था, फिर देखो 17,000 प्लस 15 32 प्लस 25 57 57 और 25 77 और 52 और 8 90 100 106 154 10 16 24 29 31 40 47 67 67 और 35
to realization. Illustration number 14. तो क्या है? A, B, C तीन पार्टनर हैं. A, one. Okay. On 31st March, उनके पास ये balance sheet दे रखी है. तो realization बना दे पहले तो. क्या है कैश बैंक टोटल डेटर्स $2,42,000 बाय प्रोविजन कितना है 12,000 10,000
capital is fine. Objective A is to take over furniture at 8000, capital is amounting to 2 lakh at 552. Okay, the capital to be paid by M at this figure. So to A is capital to Agya 7000 ke creditor. By A is capital kya kya kar raha hai, stock utha raha hai, furniture utha raha hai 8000 pe aur debtors utha raha hai 2 lakh ke baad mein ke 1 lakh 90. ठीक है, B is to take over all stock and trade at 70 and some other company assets at 72. B is capital 142. ठीक है, स्टॉक को पूरा उठा लिया. अब जो 72,000 के सन्डी असेट्स हैं वो किसके बराबर है, 90% ऑफ एक्स इक्वल टू 72,000 80,000 की चीज कितने में गई, 72,000 एक्स लेकर, बाकी कितने रह गए, ठीक है, 90,000 के स्टॉक रह गया, वो कितने में जाएगा, सी इज टू टेक सन्डरी एसेट्स रिमेनिंग सन्डरी एसेट्स एट 90%. 36 का 90,000 का 90% तो सी ले जाएगा और 1,000 का डिस्काउंट है, तो सी कैपिटल कितना आ जाएगा, 50,000. ठीक है जी, अब इसके बाद क्या कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चार्जिंग लोन इंटरेस्ट, इसका लोन है 15,000 टू बैंक, तो लोन विद इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, Thank you.
balance.com. तो बैलेंस प्रोटॉन कितना है आपके पास? 52 and 10, 52. रियलाइजेशन कितना है? 21,000. So this is how illustration number 14 will be done. Okay, ये हमारे पास है. अब आ जाते हैं हम next illustration number 15. देखते हैं 15 में क्या है. Illustration number. क्या कह रहे हैं? A and B की रेशियो है 3:2. Okay. अब realization बना लेते हैं. जनरल एंट्रीज को सीधी बन जाएंगी. पहले तो ट्रांसफर कर दिया टू बिल्डिंग कितना है 240 पर मुझे लेकर 240
है, लोन है एक, इज लोन टू बैंक, ठीक है जी। अब आ जाओ, बिल्डिंग वॉज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स एज देयर फुल एंड फाइनल, तो क्रेडिटर खत्म हो गए बिल्डिंग की पेमेंट के साथ, ठीक है जी। तो आप भी एंट्री करेंगे जी। फिर क्या है, ए एक्सेप्टेड एंड अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ पर्चेस इन फुल सेटलमेंट ऑफ दिस लोन, तो अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया, तो रियलाइजेशन में चले गया, ठीक है जी। यहाँ पे टू रियलाइजेशन जाके कर देंगे, लोन जी अनरिकॉर्डेड एसेट के बदले। फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय बी फॉर कैश पेमेंट एट 5% लेस देन बुक वैल्यू, बी ने ले लिया फर्नीचर फॉर कैश पेमेंट, तो बैंक ने जो कपड़े देख लिया बैंक टू रियलाइजेशन ओके कितना है 5% बिल्डिंग क्या था हमारे पास फर्नीचर 1.75 पे 5% निकल, ठीक है। फिर है डेटर्स वर कलेक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ 5,000, तो डेटर कलेक्ट हो गए एट ए कॉस्ट ऑफ 5,000, क्या है 80, 5,000 निकाल दो, स्टॉक रियलाइज 70,500, ये स्टॉक रियलाइज हो गया 70,500, ओके। B agreed to bear all realization expenses for this service, B is allowed, okay, to B is capital, okay, so entry okay, realization to B is capital, okay जी। Thank you.
1,41,750 again. Okay. Okay, अब जरा कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं. बैलेंस डॉट कॉम कितना हो? बैलेंस डॉट कॉम क्या है? 3,00,000. Realization 85,050,56,000. Realization 500. ठीक है, अब मत जो बैंक बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है? 47. ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 15. ओके जी.